सी आई एम श्योर एवरी गर्ल हैज गॉन थ्रू दिस फेज एटलीस्ट वंस. कुछ लोग बच गए, कुछ लोग के अंदर एक इमोशनल मेंटल स्ट्रेंथ था और कुछ लोगों ने स्पर ऑफ रेज में कर दिया ये. इट्स वेरी सैड टू हियर बिकॉज शी वॉज ओनली 20 एंड कम ऑन शी हैड अ वेरी गुड करियर अहेड ऑफ हर. शी इज डन अ लॉट ऑफ वर्क. कोई नई लड़की नहीं थी. शी सीम टू बी लाइक अ कॉन्फिडेंट पर्सन. बट गाइज आई वॉन्ट टेल वन थिंग दैट यू नो कोई भी इमोशनल ट्रामा हो लाइफ में आई नो कि उस टाइम पे ये चीज़ उस गुस्से को उस दुख को ओवरकम करने में बहुत तकलीफ होती है. लेकिन आपकी पहली एक लाइफ हो चुकी है जिसमें आपके पेरेंट्स ने आपको पैदा किया, आपको एजुकेट किया, आपको बड़ा किया, आपको खिलाया पिलाए, ड्रीम्स दिखाए, आपको रास्ता दिखाया है, आपको हेल्प किया है. क्या वो ड्रीम्स, आपके पेरेंट्स के एफर्ट्स, आपके खुद के सपने जो आपको अचीव करने लाइफ में, क्या वो मैटर नहीं करता? You all have to build that mental stability, that mental strength, that emotional strength to combat that, no matter in what situation you are. Please be strong. जी आप एक चीज जानना चाहेंगे कि आप उन्हें पर्सनली जानती थी कभी मुलाकात? नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ. मैं उन्हें पर्सनली बिल्कुल नहीं जानती हूँ. बट आई सिंपथाइज, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरी को एक्टर वैशाली टक्कर, वो भी कुछ टाइम पहले शी कमिटेड सुसाइड एंड आई न्यू दैट यू नो शी वॉज गोइंग थ्रू मेंटल, आई मीन इमोशनल प्रॉब्लम्स विथ हर रिलेशनशिप एंड ऑल दैट. This is wrong, man. Just for one relationship, you cannot be giving up your life, leaving all the other bigger aspects of life. You gotta keep your focus on. Lastly, क्योंकि you know depression, anxiety और बाकी चीज़ों को लेकर अभी you know काफ़ी सारी बातें सामने आई है, क्योंकि चेहरे पर दिखता नहीं है लेकिन लोगों में होता है और फिर इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं. As an actor, क्योंकि आपको लोग इतना देखते हैं, आपको follow करते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे सिचुएशन में किस तरह से डील करना चाहिए? सी लोगों को लगता है डिप्रेशन मतलब एक इंसान दुखी बैठा रहेगा या ये होगा वो होगा. आप लोगों में मुझे लगता है पीपल डोंट हैव ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. क्योंकि जब ग्रैटिट्यूड होता है कि मुझे भगवान ने ये सब कुछ दिया है, आप डिप्रेशन इसमें इसलिए जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि आप जो चाहते हो आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हो, या जहाँ आपको होना चाहिए था वो आप वहाँ पर आप नहीं हो, या आप जिस इंसान को चाहते हो वो आपके साथ नहीं है. बट ये तो देखो कि आपके पास क्या है. कितने लोगों के पास तो कुछ भी नहीं होता है, सब सुसाइड थोड़ी करते हैं. बिल्ड द ग्रैटिट्यूड इन योर सेल्फ, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड यू विल फाइंड दीज थिंग्स वेरी स्मॉल. यू विल हैव दैट स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ एंड फाइट द डिप्रेशन.